खबर हरिद्वार से है, जहां लंढौरा में सड़क निर्माण में धांधली होने का मामला सामने आया है। बता दें कि लंढौरा निवासी महबूब तौसीफ, जुल्फरार आदि ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि लंढौरा में एक ही सड़क निर्माण के लिए दो बार भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही बनाई गई सड़कों का कोई सैंपल नहीं लिया गया है। शिकायत प्राप्त होते ही हरिद्वार सड़क सहायक नगर आयुक्त ने लंढौरा में सड़क निर्माण में बरती की गई धांधली पर जांच की। खानपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। कहते इनके पांच कार्यों के थे विभिन्न प्रकार का। एक तो प्रथम दृष्टया इनका था कि एक ही कार्य के दो भुगतान कर दिए गए हैं, तो ऐसा अभी हमारे देखने में आया नहीं है। और कुछ जगहों पर पैमाइश का लिखा था, मेन मार्केट वाला अजब सिंह के घर तक का, तो उसको भी हम लोगों ने पैमाइश करा दिया है। ऐसा अभी तो हम जो जांच में आए थे वहाँ ऐसा नहीं दिखा कि निजी व्यक्ति के लिए कोई बनाया गया है। अभी सब जगह सार्वजनिक ही दिखा हमें सड़क। ना मुझे मेरे से कोई लेटर दिया मुझे लिखित में, ना मुझे बुलाया, मेरे सामने तो कोई शिकायत नहीं हुई। मेरी शिकायत थी निजी संपत्ति और सड़क की ऑडिट, वो मतलब रोड कटिंग की जाँच और लंबाई चौड़ाई की जाँच। हाँ, वो निजी संपत्ति प्राइवेट जगह, वही निजी संपत्ति पर ना, हाँ जो निजी संपत्ति पर सड़क डाल रखी। वे अपने ठेकेदारों को और नगर पंचायत के अधिकारी को लेकर घूमे, मेरे तो किसी ने पूछा ही नहीं, ना मुझे किसी ने बताया। क्या लगता है सांठ गांठ का मामला लगता है आपको कि आपको नहीं बुलाया गया? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सांठ गांठ में जांच दोबारा कर ले, वैसे ही खाना पूर्ति कर रहे हो।